रहे हैं PTNI न्यूज चैनल। क्रांति देवी जैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा रामघाट में कार्यालय एवं सूचना भवन कंप्यूटर सेंटर का किया गया उद्घाटन। बुलंदशहर संयुक्त राष्ट्र संघ के 70वें सतत विकास लक्ष्य हेतु भागीदारी अभियान द्वारा आत्मनिर्भर भारत समर्पित स्वर्गीय क्रांति देवी जैन मेमोरियल द्वारा ट्रस्ट रामघाट में कार्यालय एवं सूचना भवन कंप्यूटर सेंटर का उद्घाटन ट्रस्ट के अध्यक्ष अमित कुमार जैन द्वारा किया गया। साथ ही भागीरथी वेदांत इंटर कॉलेज के प्रांगण में बैठक का आयोजन किया गया। इस मौके पर अध्यक्ष अमित जैन ने कहा, गांव की धरोहर विरासत को जिंदा रखने हेतु हमने इस ओर कदम उठाया है। इस कंप्यूटर सेंटर पर युवा छात्र एवं छात्राएं परिशिक्षित होकर आगे बढ़ सकेंगे। डॉक्टर जैन ने कहा, मैं देख रहा हूँ रामघाट में नहर से लेकर गंगा घाट तक बहुत कुछ समस्याएं देखने को मिली हैं। इन समस्याओं को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पहुंचाया जाएगा, जिससे गांव के लोगों को इन समस्याओं से निजात मिल सकेगी। मुख्य अतिथि प्रधानाचार्य इंद्रेश कुमार भारती ने स्कूल में फर्नीचर कंप्यूटर साइंस की मान्यता आदि समस्याओं के बारे में प्रस्ताव रखे। उद्घाटन के दौरान डॉक्टर अमित जैन, डॉक्टर भारत भूषण, सुसज्जित कुमार, डॉक्टर योगेंद्र नारायण, बसवराज पाटिल, लक्ष्मी नारायण भाला, गिरीश चंद्र मित्तल प्रधान, पति लक्ष्मी नारायण, कन्हैया लाल, लोकेश केवट, अशोक गर्ग, शिव कुमार शर्मा, श्याम सुंदर शर्मा, संजय शर्मा, लोकेश रावल, अनुज कुमार मित्तल, नचिकेता पांडे, हिमांशु, अवधेश कुमार, प्रदीप कुमार, राजकुमार वर्मा, अवधेश कुमार मौर्य और समस्त अध्यापक स्टाफ उपस्थित रहा। रिपोर्ट JP गौतम, ब्यूरो जनपद बुलंदशहर उत्तर प्रदेश। आगे निकलता है तो उसके पीछे वो खाली कोई नहीं निकला है, उसके पूरे एक सोसाइटी उसके पीछे है, उसका एक बैकअप उसके पीछे है। तो हम लोग लेकिन वापस क्या करते हैं, कुछ रिटर्न नहीं है। तो उसी थीम के साथ जो अभी अमित जी ने आपको बताया इस